हाय फ्रेंड्स आप यहाँ पे बात करते हैं अजय देवगन के साथ क्या सच में सनी देओल है क्या सन ऑफ सरदार टू में क्योंकि भाई अभी भी कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं कुछ क्रिटिक्स अभी भी ये बात पे अड़े हुए हैं कि वेयर इज संजय दत्त अगर सन ऑफ सरदार का शूटिंग हो रहा है तो सन ऑफ सरदार का शूटिंग ज्वाइन किया है संजय दत्त ने ऐसी अपडेट अभी तक आ ही कहा है तो क्यों नहीं हो सकते सनी देओल ऐसा कुछ लोगों का कहना है देखो मैं एक बात जरूर कहूँगा वो पंजाब केसरी वालों के अगर आप आर्टिकल्स से जा रहे हो तो भाई उन्होंने तो ओपनली बोल दिया था कि सनी देओल जी है हाँ उन्होंने बोला था अब मुझे इस बात पे इसलिए थोड़ा सा डाउट है कि क्या सनी देओल अपने रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेवर यार नहीं करेंगे यार इतना तगड़ा उनको अभी जो उनका स्टारडम है आई डोंट थिंक कि वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों देखो कि सन ऑफ सरदार किसकी फिल्म है प्रैक्टिकली आ जा रहे होगा उनकी फिल्म है और अजय देवगन अपना रोल क्यों कम होने देंगे भाई मैंने तो सुना है कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है जो वो पंजाबी डायरेक्टर है उन्होंने उस कैरेक्टर को और हाई लेवल पे लेके गए तो क्यों छोड़ेंगे और वो फिल्म सच में अजय देवगन की है बराबर है सन ऑफ सरदार टू में अगर सनी देओल का चांस है तो भाई एक बात याद रखना वो अजय वर्सेस सनी देओल वाला एंगल हो जाएगा संजय दत्त का कैसा है कि संजय दत्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते आप देखो डबल स्मार्ट हो के जी एफ टू का भी मैं समझ सकता हूँ बट अब वो विलन रोल वगैरह करते हैं और छोटे मोटे रोल्स में भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सनी देओल जी का जो अभी का जो स्टारडम है भाई देख लो जाट फिल्म किस तरीके से टीजर को पागल जैसा रिस्पॉन्स मिला है तो आप कैसे कह सकते हो भाई आई डोंट थिंक अगर है तो मैं एक बात बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा स्टारडम सन ऑफ सरदार के पीछे मतलब अजय प्लस सनी फैंस ऑब्वियसली वो संजय दत्त से ज़्यादा फायदा होगा ये मैं आपको गारंटी पे बोल रहा हूँ प्रॉफ़िट वाइज़ पैसा वाइज मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ इस मामले में कि बहुत तगड़ा सन ऑफ सरदार का हाइप एक लेवल पे निकल जाएगा बट होंगे या नहीं बट यार ये भी तो है ना कि अभी तक संजय दत्त ने भी तो ज्वाइन नहीं किया अभी तक सन ऑफ सरदार और पता नहीं क्यों यार एक फील आने लगे यार फिर कि क्या सच में सन सनी देओल है क्योंकि अगर है तो भाई <laughs> तबाही तो तबाही तो है फिर अजय विद सनी देओल आई थिंक पहली बार लाइफ में साथ में आ रहे हैं ना फाड़ देंगे मैं अगर आप मुझसे दिल से पूछो ना मैं चाहता हूँ कि सनी देओल हो क्योंकि वो आप जो अजय के भी फैंस वो क्रेज देखना चाहते हैं कि भाई हमारे बंदों को एक ऐसा ओपनिंग मिले देखो सिंगम में मिला सिंगम सेमी हिट गई वो छोड़ो रोहित शेट्टी ने फिल्म को अच्छे से हैंडल नहीं किया था बट एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा प्रोड्यूसर एडीएफ की फिल्म है अगर क्योंकि देखो अब इस बार वो आपको टिकट बुकिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला टेंशन ना लो अजय के फैंस अजय देवगन खुद उसके हाथ में अगर राइट्स है तो वो अच्छा ही हैंडल करेगा तो आपको क्या लगता है बाय द वे है या नहीं यार अभी तक संजय दत्त है ये भी तो दावे के साथ कोई नहीं बोल रहा है मैंने नहीं देखा है उनका अभी तक एक भी पिक नहीं देखा है मैंने अजय देवगन रूनाल्ड ठाकुर को देखा मैंने ये करते हुए शूटिंग सॉन्ग्स वगैरह में संजय दत्त कहा जो हुए तो सनी पाजी क्यों नहीं होंगे होने को हो भी सकते हैं हाँ मैं भी क्वेश्चन मार्क जैसी बात कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे लग रहा है यार